आई नो माई सवाल है एक सुबह आप उठे और आपको पता चले कि आपका वजन जो है वो 10 किलो बढ़ गया मजीद है। मजीद बढ़ेगा तो पहला काम क्या करेंगे जो अभी नहीं कर रही जिम जाऊंगी जिम जाऊंगी मुझे भी लगा कि शायद थोड़ा सा ऑफ लिया हुआ है आपने शेप अगेन जी

मुनाफा मुनाफा oh, oh, oh. कभी अपने आपको गूगल किया आपने रात को अक्सर अल्लाह इतनी अजीब अजीब चीजें आती है सलमान खान से मुलाकात हुई आपकी और साथ अपने भैया छोटे भाई, भाई, थे, को थी। भाई थे हाँ जी तो कैसा पाया जी आपने मैं सलमान की बहुत बड़ी फैन हूँ मैंने उनको बताया मैंने कहा कि मैं आपके बचपन से पोस्टर्स खरीदती थी अम्मी देती थी स्कूल के लिए तीन रुपए तो एक रुपया बचाती थी और वो स्टॉल्स लगते थे तो उसका पोस्टर खरीदती थी और अलमारी के अंदर लगाती थी उस वक्त अलमारी भी पूरी नहीं होती थी इतना सा खाना मिला हुआ था उसी में छुपा छुपा के तो मुझे कहते हैं अच्छा तो तुम वो पैसे वापस वसूल करने आई हो तो आई आई रियली अडोर है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम थैंक यू वेरी मच हुमाय मची कराची से आप तशरीफ लाई हमारे इस प्रोग्राम जी सरकार में रौनक बख्शी आपने हमें अब मैं बोलूं थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी आई एम अ ह्यूज फैन अरे अल्लाह हो सर आई एम ह्यूज 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 फैन ऑफ योर थैंक यू जी एंड इट इज माय प्लेजर दैट टुडे आती हूं इट इज माय प्लेजर टुडे दैट आई एम सिटिंग विद हिम एंड शेयरिंग स्क्रीन विद हिम अगर वैसे नहीं तो ऐसे से क्या बात है क्या बात है मलिक साहब मलिक मलिक साहब मलिक साहब कह सकते हैं आपको जी जी <laughs> बिल्कुल जी सरकार मलिक साहब मियाँ वाली से ताल्लुक जी प्राइम मिनिस्टर के शहर से ताल्लुक जी ईसा खेलवी के शहर से माशाल्लाह। और इस काम में कितने अरसा गुजर गया लगता है चौदह साल दुगा की थी जब जी मैन यू स्टार्टेड योर करियर तो क्या पाया क्या खोया खोया अपना बचपन एक्चुअली क्योंकि चौदह साल की थी तब से काम कर रही थी और कर रही हूँ आ, बीच में माशाल्लाह ब्रेक लिया और अल्लाह को जाना खुद को जाना कहते हैं कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है और ख़ुदा हम में ही रहता है बस यहाँ तक का एक फासला है फासला है, है। हमारा और ये मोमेंट कैसे जिंदगी में क्रिएट हो गया कि नहीं अब वक्त है कि मैं खुद को भी जान लूँ हम समझते हैं कि जो दुनियावी मोहब्बत होती है ना जो इश्क जिसे हम कहते हैं तो जब उसमें आपकी रेड़ लगती है तो फिर आपको खुदा से इश्क हो जाता है और वो इश्क होता ही नहीं है जो आप पा लें इश्क तो वो होता है जो गुम हो जाए या आप ना पा सकें जो जो हासिल ना कर सकें तो उस चक्कर में मैंने अल्लाह को हासिल किया मैं यहाँ एक बात ऐड कर दूँ शायद मामा ना ज़िक्र करें तो मामा को मौका मिला हाजिरी देने का और मेरा ख्याल है वहाँ से इनकी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम शुरू हो गया और पता नहीं ये कितना एग्री करेंगी इस बात पता नहीं कबूल का तो मुझे नहीं पता लेकिन क्योंकि मैंने आ, मैं उस तरह से अपनी स्कूलिंग नहीं पूरी कर सकी अपना कॉलेज नहीं पूरा कर सकी सो आई वॉज ऑलवेज आई अ मदर टू एवरीबडी मेरे नाम का मतलब हुँ. भी ये है सब में शामिल मगर सबसे अलग सबसे अजीम सबकी माँ माँ और छोटी माँ लिटिल मदर सो आई हैव बिन अ मदर ऑल माई लाइफ और तो खुद को कभी अब सोचती हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है कि अपने आप से नहीं मिली अपने आप से बड़ा प्यार करना चाहिए और अपने आप को ढूंढने के चक्कर में आपको अल्लाह मिलता है सबसे पहले इतनी पॉजिटिव अप्रोच और इतनी पॉजिटिव थिंकिंग लेकिन क्यों फिर एक आपके बारे में हवा है नेगेटिविटी की पता नहीं जो मुनाफिक होता है उसके साथ सारी दुनिया होती है और उससे सब खुश होते हैं तो मौला अली का कॉल है हुँ। हुँ। मैं जो हूँ मैं ऐसी हूँ लेकिन क्योंकि मैंने काम बहुत जल्दी शुरू कर दिया था और उस जमाने में, सोशल मीडिया नहीं होता था बच्ची थी जाहिर है चौदह साल की उम्र में इतनी फेम इतनी सक्सेस आई एक बैंक के साथ फॉरन फॉरेन सारा कुछ वो हो गया ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं प्रोफेशनलिज्म पे मतलब वो नहीं किया होगा मैं प्रोफेशनल भी रही होंगी गलतियां हर इंसान से होती हैं लेकिन आ, मैं ऐसी हूँ मुझसे बना नहीं जाता और ये अलग का है उस मौला का करम है इस पे लिबास नहीं आ सकता कोई पर्दे ही नहीं है मुझे अगर बात बुरी लग रही होगी मेरे मुंह पे आएगी अच्छी लग रोना आएगा तो यूं आ जाएगा। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि जैसा इंसान अंदर होता है उतनी प्योरिटी उसके चेहरे पे नुमाया हो जाती है और जो के है रियली थैंक यू इंडिया के हवाले से बिकॉज आपने तीन साल काम किया कैसा पाया उन लोगों को एज कम्पेयर टू योर ओन पीपल मेरे अपने लोग मेरे अपने लोग हैं लेकिन उस मुल्क में एक बात है या सिर्फ इंडिया में नहीं पाकिस्तान में भी अब आ रही है मैं किसी पे टारगेट नहीं कर रही हूँ लोगों को पता है कि उनका काम क्या है एक दूसरे पे बल्ली नहीं डालते एक दूसरे पे काम का बर्डन नहीं डालते हर चीज यहाँ पर कोशिश ज्यादा होती है कि मेरा काम वो कर लेगा फला हो जाएगा इट्स अ टीम वर्क एंड एवरी टीम इज डूइंग देयर ओन जॉब्स सो दैट दे दे वेरी प्रोफेशनल स्टार्ट ऑन ऑन टाइम टाइम एंड उसके अलावा हमारे पास बहुत अच्छे अदाकार हैं हमारे पास कंपोजर्स सिंगर्स राइटर्स माशाल्लाह हम टैलेंट से भरे हुए हैं लेकिन स्टाइल ज्यादा है उमैमा जी लोगों ने बड़ा कहा इमरान हाशमी के साथ आपने फिल्म की लोगों को लो बड़ा पता नहीं क्या शोर हुआ था कि यार उसके साथ तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ मुझे तो बहुत अच्छा मेरा आज भी वो बहुत अच्छा दोस्त है एक बहुत प्यारा इंसान है हमारे यहाँ एक डिफरेंट तरीके से काम होता है जब हिंदुस्तान जाके काम करते हैं उनका तरीका कार और सारा पैराफेलिया डिफरेंट है तो आप ये नहीं समझते कि दो कश्तियों में सवार हो जाता है इंसान अच्छा। और वहाँ का तरीका कार मुख्तलिफ है वो बोल्डनेस को एक कैजुअल सीन लेते हैं हम उसको हाईलाइट करते हैं उनकी जनता या उनकी आवाम उस तरह रिएक्ट नहीं करती जैसे हमारे लोग यहाँ पे रिएक्ट करते हैं तो ऐसा ऐसा आम, है अच्छा मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मुझे मेरे ऊपर एक टैग लगा कि बोल से बोल्ड तक जब मैंने बोल के बाद ये किया आई हैव ऑलवेज बिन अ वेरी बोल्ड गर्ल आई एम अ वेरी आउट स्पोकन वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल आई एम अ सेल्फ मेड गर्ल आई रन माई ओन हाउस आई नो बडी पेस फॉर माई बिल्स खुद ही सब कुछ किया बहन भाइयों के लिए अपने लिए जितना मुझे मेरे रब की जात मुझसे करा सकती थी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इमरान हाशमी की फिल्म में जाकर मैंने गाने कर लिए और सब कुछ कर लिया आई स्टार्टेड स्टार्टन आई वो फोर्टीन ईयर्स ओल्ड विद मॉडलिंग और मैं एक बड़ी बोल्ड किस्म की आई वॉज दू के आ, जिसने कभी कोई डांस नहीं सीखा लेकिन शौक था तो आ, मैंने जो है वो सुल्ताना आपा ने मुझे ड्रामा दिया शिनो दीवान की उसमें मैंने राहत फतेह के गाने पे डांस किया फिर मुझे शुरू से ना ये फिल्मी थी मैं थोड़ी सी तो अगर मैं ये कहूँ कि आपके लिए जो हमारी आवाम कमेंट करती है या वो चीज़ मुझे बाद में रियलाइज हुई कि ये क्या हो गया मुझसे कि मैं आ, तो गर्ल नेक्स्ट डोर नहीं रही मैं आ, तो वो मजलूम औरत जो जिसको तलाक हो रही है या जो रो रही है या जो पिट रही है अपने मियाँ से ड्रामों में मैं तो वो लड़की नहीं रही लोगों के लिए मैं तो लोगों के लिए एक मैं मरी थी जैनब बन के जब बोल में तो मैं लोगों की दिल दिल की आंख का तारा थी और जब मैंने जाके बार डांसर का रोल किया इमरान हाशमी के साथ तो लोगों से मुझे एक अजीब किस्म की हेटरेट मिली ये अब मुझे एहसास हुआ है कि अब मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी है कि मुझे

मैंने आपको इश्क की बात की ना अच्छा तो ओ, वो, तो वो, था, वो पूरा एक सिचुएशन थी तो वो मैं सिर्फ मैंने अपने लिए टाइम लिया और शुक्र है कि मैंने लिया मैं मैं पैसे कमा रही थी मैं काम कर रही थी मैं जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही थी मुझे खुद को जानने का मौका, मौका ही नहीं मिला मतलब लिटरली का जरूरतों का एहसास नहीं हुआ मैं लोगों तो अब जो मोहब्बत हुई है उसका कोई कोई टाइम फ्रेम है या वो अब पक्की मोहब्बत है आखिरी मोहब्बत है प्यार <laughs> <laughs> करते हैं मुझे कैसे छोड़ेंगे पूरी अच्छा। लाइफ मेरी बस अभी तो यही मोहब्बत तो है उसके साथ-साथ यू विल स्टार्ट वर्किंग इन ड्रामास एज वेल जी यस ऑफ कोर्स आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट विद अंजुम शहजाद राइट नाउ अच्छा माशाल्लाह uh, मौला जट इज कमिंग दैट आई एम डूइंग अच्छा मौला जट फिल्म भी आ रही है सकीना समो मीन शेरयार मुनव्वर अच्छा एंड यार तो काम तो चल रहा है काफी सारा काफी चल रहा है लेकिन दो, दो दो सालों से आप नहीं कर रहे एप, क्योंकि बोला जेट भी तो इतनी लंबी चली कि हम बड़े हो गए <laughs> वो भी चली जा रही थी चली ही जा रही थी